मेरे पास कैमरा नहीं था मेरे पास मोबाइल नहीं था माइक्रोफोन नहीं था इसके अलावा बहुत सारे लोग ना इसलिए निर्णय नहीं ले पाते हैं कि उनको लगता है कि वो तो अपने डिसीजन को बैक कर लेंगे जैसे रतन टाटा को ये पता चला कि टाटा अगर मुझे शॉपिंग करनी है तो मैं माइंड सेट करके जाता हूँ कि मुझे क्या चाहिए अगर मैं अपनी वाइफ के साथ जाता हूँ ना तो गॉड डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है शोर वाला कहता है मैडम सारा स्टॉक दिखा दिया नमस्कार दोस्तों मैं हूं डॉक्टर अमित माहेश्वरी बिजनेस ट्रेनर कॉर्पोरेट ट्रेनर मोटिवेशनल स्पीकर एंड सीईओ मेटास ओवरसीज लिमिटेड फ्रेंड्स आप लोगों के लिए हमने एक सीरीज शुरू की और वो सीरीज है क्यू एंड ए सीरीज़ और अब वो समय है जिसमें आपके क्यू एंड ए सीरीज़ का जवाब मैं दे सकूँ आप में से बहुत सारे वैल्यूएबल सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स ने एक सवाल पूछा कि सर कुछ ऐसा बताएं कि हम अपनी लाइफ में सही डिसीजन लें और जल्दी डिसीजन लें उसके लिए हमें किन नियमों का अनुकरण करना है तो आज इसी विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं कि आप जल्दी और सही डिसीज़न कैसे लें रतन टाटा जी से किसी ने पूछा कि आप हमेशा जो निर्णय लेते हैं वो सही होता है उसके पीछे कारण क्या है तो रतन टाटा जी ने एक स्टेटमेंट कही कि मैं निर्णय लेता हूं और उसको सही सिद्ध कर देता हूं। मतलब अपने डिसीजन को ठीक करने के लिए मैं हर वो प्रयास करता हूं जिससे मेरा डिसीजन राइट हो जाता है और रतन टाटा जी की एक खास विशेषता और भी है कि वो कोई भी डिसीजन लेने में ना बहुत लंबा समय नहीं लगाते क्विक डिसीजन लेते हैं तो रतन टाटा जी राइट एंड फास्ट डिसीजन ले पाते हैं उसके पीछे जो स्ट्रैटेजी है वो है स्वॉट एनालिसिस एस डब्ल्यू ओ टी स्वॉट और स्वॉट का मतलब क्या है डेफिनेशन क्या है एस मतलब स्ट्रेंथ सबसे पहले वो स्टडी करते हैं कि, कि किसी भी डिसीजन को लेने से पहले वो ये देखते हैं कि उस काम को करने के लिए मेरे पास क्या स्ट्रेंथ है कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मैं मजबूत हूँ उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि हमारी वीकनेसेस क्या हैं कि उस काम को अगर हम करते हैं तो कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने वाले आने वाली हैं कौन कौन सी चीज़ें जिसमें अभी हम कमज़ोर हैं जिस पर हमें काम करने की ज़रूरत है साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि जो डिसीज़न वो लेना चाह रहे हैं उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्या क्या संभावनाएँ हैं क्या क्या ऐसी चीज़ें जिनसे वो सफलता हासिल कर सकते हैं और क्या क्या वो बातें जिनकी वजह से उनका डिसीज़न राइट होने वाला है उसके बाद में थ्रेट्स क्या क्या चैलेंजेस हैं क्या क्या Uh, ऐसी बातें हैं जो जब वो डिसीज़न लेंगे तो उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा इन सभी चीज़ों का निर्णय करते हैं और क्या करते हैं इसके लिए वो एक टेबल डिज़ाइन करते हैं और वो टेबल हमें बताती है कि भाई ये डिसीजन हम कैसे लें सबसे पहले आप अपनी सारी स्ट्रेंथ को नोट कर लें कि आप जो भी काम करने वाले हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक फैक्ट्री सेटअप लगाना चाहते हैं आप एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाना चाहते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है जैसे आपको प्रोडक्शन की नॉलेज है ये आपकी एक स्ट्रेंथ है आपको प्रोडक्ट की नॉलेज है ये आपकी एक स्ट्रेंथ है आपकी वीकनेस क्या है कि आपको प्रोडक्शन की नॉलेज तो है लेकिन आपको लेबर हैंडलिंग स्किल्स नहीं आती आपको ये नहीं पता लेबर को कैसे हैंडल करना है आपको ये नहीं पता कि प्रोडक्शन की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है तो ये क्या आपकी वीकनेस है इस पर हमें काम करना होगा और इसके बारे में कैसे डिसीजन लेने हैं ये हमें समझना होगा नेक्स्ट ओ अपॉर्चुनिटीज़ आपको ये देखना है कि जो चीज़ जिस प्रोडक्ट का मैं प्रोडक्शन करने वाला हूँ जिसके लिए मैं फैक्ट्री सेटअप लगाने वाला हूँ इंडस्ट्री में उस प्रोडक्ट को लेकर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसकी पूरी लिस्ट बनाना जैसे एक लार्ज नंबर ऑफ बायर जो प्रोडक्ट खरीदना चाहता है एक ऐसी कैटेगरी है जिसके लिए वो प्रोडक्ट अगर आ जाए तो वो एक रेवोल्यूशन होने वाला है ये सारे आपको अपॉर्चुनिटीज़ नोट करनी है अब आपको नोट करने हैं आपके थ्रेड्स क्या क्या हैं आपके पास क्या क्या ऐसे चैलेंजेस होंगे उस इंडस्ट्री में आने के लिए नंबर वन जैसे कि जिस इंडस्ट्री में आने वाला हूँ उसमें बहुत अधिक कॉम्पिटिशन है दूसरा उसके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है तीसरा जब वो सेटअप लगाएंगे तो उसके लिए जो मुझे सेटअप के लिए आ, लेबर चाहिए मैनेजमेंट चाहिए टीम चाहिए उसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा तो आपके थ्रेट्स क्या क्या आने वाले हैं चैलेंजेस क्या क्या आने वाले हैं वो सारे नोट करें जब आप ये सारी चीज़ें नोट करते हैं ना तो आप ये देख पाते हैं कि इनमें से कौन सी चीज़ के लिए आप मजबूत हैं किस चीज़ पर आपको काम करना है क्या भविष्य में संभावनाएँ आपके सामने हैं और क्या क्या चैलेंजेस आपको सॉल्व करने होंगे ये आपके डिसीजन को राइट right बनाने में बहुत महत्वपूर्ण सहयोग देता है जब आप स्वर्ट एनालिसिस करते हैं उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या है एवरी कांट बी परफेक्ट हर एक चीज़ ना परफेक्ट नहीं हो सकती बहुत सारे लोग ना इसलिए निर्णय नहीं ले पाते हैं कि उनको लगता है कि जब मेरे पास हर चीज़ का परफेक्शन होगा हर चीज़ में मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगा हर चीज़ में निपुण हो जाऊंगा तब मैं वो काम शुरू करूंगा मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स जो आज बहुत सक्सेसफुल हैं जब उनको स्टडी किया तो उन्होंने बताया कि जिस समय हमने डिसाइड किया था कि मुझे यूट्यूब चैनल बनाना है उस समय मेरे पास केवल बोलने के लिए अच्छा कंटेंट था मैं अच्छा बोल सकता था मेरे पास यूट्यूब चैनल नहीं था मेरे पास कैमरा नहीं था मेरे पास मोबाइल नहीं था माइक्रोफोन नहीं था इसके अलावा रिकॉर्ड करने के लिए कोई सेपरेट स्टूडियो नहीं था वो मेरे लिए चैलेंजेस थे तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके पास कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिन्हें आपको पूरा करना है और साथ में आप ये हमेशा ध्यान रखें कि आपका पहला डिसीज़न हमेशा परफेक्ट होने वाला नहीं है आप जस्ट डिसीज़न लें धीरे धीरे स्टेप अप करते चले जाएँ एक दिन आपके पास बहुत अधिक एक्सपर्टीज़ होगी और एक बहुत बड़े एक्सपर्ट का पैनल होगा जो हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार होगा उसके लिए करना है क्या है आप कोई भी चीज़ सोचें सपोज आपको यूट्यूब चैनल बनाना है या आपको गाना शुरू करना है या आपको गिटार क्लासेस शुरू करनी है या आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू करना है या आपको ऑनलाइन ई कॉमर्स शुरू करना है या आपको इंडस्ट्री लगानी है जो भी चीज़ उसके बारे में सोचें उसका निर्णय लें कि हाँ ये मैंने सोच लिया कि मुझे ये काम करना है और मैंने इसका निर्णय ले लिया कि ये डिसीजन मेरा है कि आप मुझे ये काम इस तरीके से करना है और उसके बाद बस शुरू कर दें जब आप शुरू करेंगे ना तो बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने आएंगे उसके लिए ज़रूरत होगी आपको रेगुलर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आए हैं जैसे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बहुत सारा इको आ रहा है बाहर से आवाज़ें आ रही हैं तो उसके लिए हमने साउंड प्रूफ किया है ना हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हमारे पास लाइटिंग्स कम है तो हमने क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया कि हमें किस तरह की लाइटिंग्स चाहिए वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं आ रही है तो हमने डिसाइड किया कि हमें एक अच्छा कैमरा चाहिए वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हमें अच्छा एक माइक चाहिए तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहें कभी ना सोचें कि जब परफेक्ट होगा तभी हम चीज़ों को शुरू करेंगे दूसरा गेट फीडबैक और आप लोग फीडबैक का सबसे अच्छा हमारा साधन है जरिया है क्योंकि आप हमारे एक व्यूवर्स uh, और सब्सक्राइबर्स uh, के परिवार में से हैं आप वीडियोज़ को देखते हैं और कॉमेंट्स करते हैं जिससे हमें आपका फीडबैक मिलता है और फीडबैक के आधार पर हम निर्णय लेते हैं कि हमें क्या चीज़ अपडेट करनी है जैसे क्यू एंड ए सीरीज़ जो है वो फीडबैक का एक एक तरह से सीरीज़ है पूरी कि आप क्वेश्चन पूछते हैं हम उसका जवाब देते हैं फीडबैक आपका उसके बाद रीडिज़ाइन आपको लगता है कि जो भी चीज़ आपने चाहे प्रोडक्ट डिज़ाइन किया हो यूट्यूब चैनल डिज़ाइन किया हो ऑनलाइन ई कॉमर्स शुरू किया हो जो भी आपने काम किया है उसको रीडिजाइन करते रहें कि आप जब देखेंगे ये ये प्रॉब्लम है मेरे पास ये फीडबैक आया है उस फीडबैक के अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ें अपडेट करनी है तो उन चीज़ों को अपडेट करें और रेगुलर अपडेट पर काम करते रहें क्योंकि दुनिया के सफल लोग निरंतर अपने आप को अपडेट करते हैं जब लगातार अपडेट करेंगे तो हमेशा आप मार्केट में भी अपडेट रहेंगे और लोगों के समूह में आप कभी भी आउटडेटेड नहीं होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा लेकिन कभी भी ये ना सोचे जब परफेक्ट होंगे तब हम ये काम करेंगे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है किसी भी डिसीजन को सही बनाने के लिए और जल्दी डिसीजन लेने के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है सेट द टाइम लाइन फॉर एवरीथिंग हर चीज़ के लिए एक टाइम लाइन डिसाइड करें इसको मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बताता हूं जितने भी माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं ना उनको ये पता है कि यहां से हमें पहले पहाड़ की इस चोटी पर पहुंचना है उसके बाद पहाड़ की टॉप चोटी पर पहुंचना है इसीलिए उनको एक कैलकुलेशन करनी होती है कि भाई यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा कितना टाइम लगेगा उस टाइम के अकॉर्डिंग ही वो ऑक्सीजन फूड वाटर और आपके जो बाकी इक्विपमेंट्स हैं उसका अरेंजमेंट करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल बेस से लेकर टॉप तक पहुंचने में उनको तीन घंटे का समय लगना है तो वो तीन घंटे के हिसाब से ही तैयारी करके चलेंगे ऐसा नहीं कि वो पाँच दिन का पानी का गैलन अपने ऊपर लाद लेंगे पाँच दिन की ऑक्सीजन लाद लेंगे या इतने कपड़े ले लेंगे तो वो चढ़ ही नहीं पाएंगे लेकिन अगर वो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग नहीं भी पहुंच पाए हैं तो वो तुरंत वापस आ जाएंगे वो अपने डिसीजन को वापस बैक कर लेंगे क्यों क्योंकि उनके पास जो अरेंजमेंट है वो तीन घंटे के समय का है अगर उनको और बड़ी चोटी पर चढ़ना है तो वो डिसाइड करेंगे कि यहाँ से बेस कैंप से हम क्या क्या चीज़ें लेकर जाएँ ताकि हम आसानी से अपने टॉप पर पहुंच सकें और कहीं भी टाइम लाइन को अगर वो बीट नहीं कर पा रहे हैं तो वो अपने डिसीजन को बैक कर लेंगे जैसे रतन टाटा को ये पता चला कि टाटा नैनो की जो गाड़ी है वो बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने डिज़ाइन की कहीं ना कहीं मार्केटिंग की कोई कमी रही जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट मार्केट में फेल हो गया तो उन्होंने अपने डिसीजन को तुरंत अपने टाइम के अकॉर्डिंग बैक ले लिया और उसका प्रोडक्शन रोक दिया वरना क्या होता ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ती रहती मार्केट में उस कंपनी का जो शेयर है वो घटता रहता और उसको लॉस होता रहता जिसकी वजह से बाकी व्यापार पर भी प्रभाव पड़ता तो अपने बिजनेस की अपने प्रोफेशन की अपने जॉब वर्क की जो भी काम आप करते हैं एक टाइमलाइन ज़रूर डिसाइड करें जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो उसमें कितने महीने लगेंगे तीन महीने छः महीने एक साल गवर्नमेंट भी तो जो प्रोजेक्ट का अब गवर्नमेंट की बात करेंगे तो लगेगा सर वो तो डिसीजन ही गलत लेते हैं छः महीने बोलते हैं पाँच साल प्रोजेक्ट चला जाता है तो मैं आपकी पर्सनल के बारे में बात कर रहा हूँ कि आप अपनी टाइमलाइन ज़रूर डिसाइड करें नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है रिड्यूस द नंबर ऑफ चॉइस अभी प्रॉब्लम क्या है कि हम कई बार ना डिसीजन जल्दी क्यों नहीं ले पाते उसके पीछे कारण है कि हम नंबर ऑफ़ चॉइसेस इतनी सारी बना लेते हैं कि उनमें से चूज़ करने में ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं भाई देखो मेरा तो एक सीधा सीधा सिद्धांत है अगर मुझे शॉपिंग करनी है तो मैं माइंड सेट करके जाता हूँ कि मुझे क्या चाहिए मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं शॉपिंग के लिए जाता हूँ तो मुझे पता होता है कि मुझे किस कलर की शर्ट चाहिए या टी शर्ट चाहिए किस साइज़ की चाहिए और कलर के साथ साथ उसका मतलब हाफ बाजू चाहिए फुल स्लीव चाहिए या राउंड नेक चाहिए वी नेक चाहिए सारे डिसीज़न में माइंड मेकअप करके जाता हूँ इसीलिए मैं शॉपिंग में पहुँचते ही दस से पंद्रह मिनट के अंदर मैं पूरी शॉपिंग कम्प्लीट कर लेता हूँ लेकिन यही बात जब मैं अपनी फैमिली मेम्बर में मैं मैं अपनी वाइफ के साथ जाता हूँ ना तो गॉड डिसीज़न लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है वो क्या है? करती हैं साड़ियाँ देखना शुरू करती हैं एक साड़ी दो साड़ी तीन साड़ी चार साड़ी एक स्टोर पूरा खाली कर देते देखते देखते स्टोर वाला कहता है मैडम सारा स्टॉक दिखा दिया फिर वो दूसरे स्टोर में जाती हैं वहाँ भी देखती हैं फिर तीसरे स्टोर में जाती हैं फिर चौथे स्टोर में जाती हैं फिर सबसे लास्ट स्टोर में जाके कहती है यार साड़ी नहीं लेनी मैं एक ना सूट ले लेती हूँ चलो आई हूँ तो एक जीन्स ले लेती हूँ है ना तो आप अपने नंबर ऑफ चॉइजेस को ना रिड्यूस करो जब नंबर ऑफ चॉइस रिड्यूस होंगे तो आप जो डिसीजन ले पाएंगे वो फास्ट ले पाएंगे है ना फॉर एग्जाम्पल आप टी शर्ट लेने गए हैं आपने तीन कलर देखे वाइट ब्लैक ग्रीन आपने पहले से डिसाइड किया हुआ इन तीनों में से कोई एक लेना है आपने कहा ठीक है ऑफिशियली मुझे कहीं जाना है तो वाइट टी शर्ट ले लेता हूँ या जिम वर्क करना है वर्कआउट करना है ब्लैक लेता हूँ चॉइस आपकी है मतलब आप कम चॉइस में जब चीज़ों को चूज़ करते हैं तो डिसीजन आप फास्ट ले पाते हैं है ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम डिसीजन फास्ट लेना चाहते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है ना ये पूरे के पूरे डिसीज़न मेकिंग एंड फ़ास्ट डिसीजन मेकिंग को बहुत सही तरीके से समझा पाती है और वो क्या है प्रायोरिटाइज वाइजली आप जो भी डिसीज़न लें उसको प्रायोरिटी वाइज डिवाइड कर दें आप डिवाइड कैसे करना है आपको देखिए सबसे पहले आपके इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट काम क्या है वो सारे नोट करें उसके बाद इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है इसको नोट करें उसके बाद अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है या अर्जेंट भी नहीं और इंपॉर्टेंट भी नहीं है आपने ये डिसाइड तो कर लिया एक ग्राफ बना के सारे पॉइंट लिख तो लिए लेकिन इसके हिसाब से प्लानिंग क्या करनी है अब प्लानिंग क्या है डू इट नाउ वो सारे काम जो इंपॉर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी हैं उनको सबसे पहले करें नेक्स्ट जो है वो क्या है इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट उसके लिए आप क्या करें प्लान अब प्लान में क्या है कि आपने एक प्लानिंग कर ली कि भाई ये काम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी अर्जेंट नहीं है अगले सात दिन में अगले पंद्रह दिन में उसकी जरूरत पड़ने वाली है तो उसकी प्लानिंग हमने बना बनाकर तैयार कर ली कि नेक्स्ट वीक मंडे को शाम को पांच बजे मैं इस पर काम करूँगा नेक्स्ट अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट तो आप क्या करें उसको डेलीगेट कर दें काम अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपके अलावा आपके टीम के बाकी जो सेकंड लीडरशिप के लोग हैं वो उस काम को कर सकते हैं इसलिए उस काम को डेलीगेट करें और दुनिया में जितने भी लोग फास्ट डिसीज़न लेते हैं राइट right डिसीजन लेते हैं वो सभी लोग पावर ऑफ़ डेलीगेशन का इस्तेमाल करते हैं रतन टाटा कोई भी चीज़ डिसाइड करते हैं ना तो उसकी प्लानिंग करते हैं और डेलीगेट कर देते हैं कि आप प्लान सेटअप लगाओ आप फाइनेंस अरेंज करो आप शेयर मार्केट में शेयर लॉन्च करने की तैयारी करो आप रॉ मेटेरियल परचेज करो आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेट करो आप मार्केटिंग करो सबको डायरेक्शन देने के बाद वो पावर डेलीगेट करने के बाद उसी काम को जल्दी कर पाते हैं उसके बाद अगर कोई भी काम अर्जेंट भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है तो हम कहेंगे उसको हम बाद में डिसाइड करेंगे कब करना है जब हमारे पास स्पेयर टाइम होगा तब हम उस काम को करेंगे अगर ये ग्राफ आप ठीक तरीके से समझ गए हैं तो आप आसानी से फास्ट एंड राइट डिसीज़न ले सकते हैं फ्रेंड्स मैं अपने बिजनेस टाइम से ना बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम निकालता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों के लिए मैं रियल लाइफ प्रैक्टिकल जो अपनी इंडस्ट्री में मैं इंप्लीमेंट करता हूँ वो बातें मैं आपको समझा सकूँ और आप भी उसको अपने बिजनेस में अपने प्रोफेशन में अपने वर्क में इम्प्लीमेंट करके एक्सपेंशन की ओर जा सकें और सफलता हासिल कर सकें क्योंकि हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है बशर्ते उसको ये पता हो कि सफल होने के तरीके क्या है अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो तो उसके लिए चैनल मेटास क्लब डॉक्टर अमित माहेश्वरी को तुरंत सब्सक्राइब कर लें बेलाइकन को भी प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव जिनके आप विशर हैं जिनका आप भला सोचते हैं उनके लिए उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें फाइन स्वस्थ रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी के सुंदर भविष्य की कामना करता हूँ जय हिंद जय भारत